शुरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश के दिन भर की ताजा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। चैत्र नवरात्रि अष्टमी पर उमड़ा आस्था का सैलाब, तीन शक्तिपीठों में 41,500 ने नवाया शीश। जिला कांगड़ा के तीनों शक्तिपीठों में अष्टमी पर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई। अष्टमी पर तीनों शक्तिपीठों में करीब 42,500 श्रद्धालुओं ने शीश नवाया है। वहीं आज ज्वालामुखी मंदिर में 22,000, ब्रजेश्वरी मंदिर कांगड़ा में 10,000 और श्री नंदिकेश्वर धाम चामुंडा में करीब 9,500 श्रद्धालुओं ने माथा टेका। वहीं शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर के ACF राजेंद्र कुमार ने कहा कि चैत्र के सातवें नवरात्र पर मंदिर में 11,21,048 रुपये नकदी और 690 ग्राम चांदी व 5 ग्राम सोना भी चढ़ावे के रूप में मां के चरणों में अर्पित किया। पुजारी और न्यास सदस्य अविनेंद्र शर्मा ने बताया कि नवरात्र के आठवें दिन महागौरी की पूजा की गई। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपियन यूनियन ने दिया GI टैग, EU ने ट्वीट कर साझा की जानकारी। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपियन यूनियन EU ने GI टैग भौगोलिक संकेत दिया है। ट्विटर पर यूरोपीय संघ ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। प्रवक्ता ने कहा कि भारत और यूरोप दोनों GI टैग पर जोर दे रहे हैं। स्थानीय खान पान परंपराओं का अस्तित्व बनाए रखने और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना ही हमारा उद्देश्य है। वहीं कांगड़ा चाय को 2005 में भारतीय GI टैग मिला। 1999 से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में चाय की खेती और विकास में लगातार सुधार हुआ है। कांगड़ा चाय के विकास और खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय पालमपुर, राज्य के सहकारी और कृषि विभाग और CSIR IHBT पालमपुर और चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा कांगड़ा चाय की खेती की निगरानी की जा रही है। नोहराधार में मिस्त्री की बेटी महिमा चौहान बनी सहायक प्रोफेसर। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नोहराधार तहसील के गांव घंडूरी की महिमा चौहान ने महाविद्यालय स्तर की परीक्षा पास कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। महिमा के पिता कल्याण सिंह मिस्त्री का कार्य करते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान महिमा ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की। वहीं ओम प्रकाश भी साधारण परिवार से संबंध रखते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय पाठशाला से हुई। उच्च शिक्षा संगडाह से ग्रहण की ओम प्रकाश ने सफलता का श्रेय परिजनों और गुरुजनों को दिया है। वहीं मात्र 2 माह में संगडाह क्षेत्र के 5 युवा सहायक प्राध्यापक बने हैं। इनमें पूजा शर्मा, विनोद धीमान और विपिन भी शामिल हैं। किस्मत मेहरबान, फैंटेसी क्रिकेट से 25 की उम्र में नीरज ने जीते 30 लाख रुपए, परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं। महिला IPL के मुंबई तथा उत्तर प्रदेश के बीच हुई एलिमिनेटर मैच में ग्रैंड लीग लगाकर चंद्रोही के नीरज 25 वर्षीय ने बतौर इनाम 21 लाख रुपए की धनराशि जीती है। नीरज एक साधारण परिवार से संबंध रखता है और उसके पिता रोशनलाल छोटी सी दुकान चलाते हैं। नीरज ने कहा कि उसने 12वीं तक की शिक्षा भरेड़ी स्कूल से प्राप्त की है। वहीं बता दें कि ITI में डिप्लोमा करने के बाद वो पिछले करीब 10 सालों से एक निजी कंपनी में नौकरी कर रहा है। उसे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, लिहाजा वो पिछले करीब 6 सालों से फैंटेसी क्रिकेट गेम पर ग्रैंड लीग लगाकर प्रयास कर रहा था। वहीं इस बार भाग्य ने उसका साथ दिया और उसकी टीम को सेकेंड रैंक हासिल हुआ, जिसकी बदौलत उसे 30 लाख की धनराशि बतौर इनाम मिली। कंपनी ने टैक्स कटौती कर उसके खाते में 21 लाख रुपए जमा कर दिए। छोटी उम्र में बड़ी रकम जीतने पर नीरज के माता पिता और उनका सारा परिवार बेहद खुश है। मेडिकल अफसर कर सकेंगे अल्ट्रासाउंड, 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाएगी सरकार। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में रेडियोलॉजिस्टों की कमी होने के चलते कई संस्थानों में अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं मिल पा रही है। सरकार ने फैसला लिया है कि मेडिकल अफसरों को 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। इस कोर्स को पूरा करने के बाद मेडिकल अफसर भी रेडियोलॉजिस्ट की तर्ज पर अल्ट्रासाउंड कर सकेंगे। भाजपा विधायक रीना कश्यप के सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसके लिए मेडिकल काउंसिल से भी मंजूरी ले ली गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गिरने से घायल हुए मुकेश अग्निहोत्री का कुशलक्षेम जाना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के निवास स्थान पर पहुंचकर उनका कुशलक्षेम जाना। उप मुख्यमंत्री पिछले कल सायं अपने आवास परिसर में टहलते समय गिर जाने से घायल हो गए थे। IGMC शिमला में उपचाराधीन रहने के बाद उन्हें आज अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मुख्यमंत्री ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। ऊना के प्राइवेट स्कूल में हुई चीटिंग, 10वीं-12वीं परीक्षा के अंत में टीचर ही पास करते दिखे मटेरियल, CCTV फुटेज से खुलासा।
हिमाचल के ऊना जिले में स्कूल एजुकेशन बोर्ड द्वारा संचालित 10वीं व 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं के दौरान नकल करवाने का मामला सामने आया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज में खुलासा हुआ है, जो एक प्राइवेट स्कूल का बताया जा रहा है। वहीं संबंध में ऊना के एसडीएम विश्व मोहन देव चौहान ने स्कूल एजुकेशन बोर्ड के सचिव को पत्र भेजा है, जिसमें नकल मामले की पूरी तथ्यों से अवगत कराया गया है, साथ ही नकल रोकने के लिए कारगर कदम उठाने की सिफारिश की है। वहीं आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं के दौरान ऊना उपमंडल के एक प्राइवेट स्कूल के पुराने सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया है, जिसमें नकल करवाने का खुलासा हुआ है। इस वीडियो फुटेज में पहले 2 घंटे में तो सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन आखिरी 1 घंटे में स्कूल के टीचर ही स्टूडेंट्स को चीटिंग मटेरियल पास करते दिख रहे हैं। इस मामले की एसडीएम द्वारा स्कूल एजुकेशन बोर्ड के सचिव को विस्तृत जानकारी दी गई है। बदले जाएंगे बॉर्डर एरिया पर लंबे समय से डटे पुलिस, वन और आबकारी विभाग के कर्मचारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के बॉर्डर एरिया की चौकियों पर लंबे समय से डटे पुलिस, वन और आबकारी विभाग के कर्मचारियों को बदला जाएगा। संवेदनशील पदों पर लंबे समय तक एक ही अधिकारी या कर्मचारी को तैनाती नहीं दी जाएगी। भ्रष्टाचार को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं आज विधानसभा सदन में प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने ड्रग माफिया खत्म करने को एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान और कड़े करने का ऐलान भी किया। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री से इस बाबत बात हो चुकी है, जल्द ही प्रावधानों का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। कांग्रेस विधायक मलिंदर राज ने प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश में नशे के बढ़ते कारोबार का मामला उठाया। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश में नशे का कारोबार लगातार बढ़ना चिंता का विषय है। सरकार ने नशे का कारोबार करने वालों की 6.95 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। जिला कांगड़ा के नूरपुर को पुलिस जिला का दर्जा दिया गया है। शिक्षा मंत्री बोले, हिमाचल के 3,148 स्कूलों में सिंगल अध्यापक प्राथमिकता के आधार पर भरे जाएंगे पद। हिमाचल प्रदेश में 3,148 स्कूल ऐसे हैं जो एक अध्यापक के सहारे चल रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2020-21 में 1993 स्कूलों में सिंगल अध्यापक थे तथा वर्ष 2021-22 में यह आंकड़ा 2,922 हो गया। यह जानकारी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक बलबीर सिंह वर्मा के सवाल के जवाब में दी। उन्होंने कहा कि स्कूलों में रिक्त पड़े पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। तो ये हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल। बंगाल से सिद्धि प्राप्त 64 शक्तियों के माहिर, इमीडिएटली रिजल्ट, बाबा सलीम खान, पक्का काम तुरंत समाधान, हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। इट इज माई प्रॉमिस। जैसे नौकरी कारोबार, घर में क्लेश, किया किराया, जादू टोना, लव मैरिज प्रॉब्लम, सौतन दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा, स्पेशलिस्ट मनमोहनी वशीकरण व मुठ करनी, घर बैठे 11 घंटों में A to Z समस्याओं का पक्का समाधान करवाएं। 101% गारंटी स्टाम्प पेपर पर लिख कर लें। अभी फोन करें मोबाइल नंबर 8860581665।